हाय स्कॉर्पियोज एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज तारा। और आज हम रीडिंग कर रहे हैं जोडियाक के लिए, और ये रीडिंग स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी। और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 16th to 31st of October। और अगर आप अपना मून और राइजिंग साइन पता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियोज, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। स्कॉर्पियोज, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर सवाल है जिसके लिए गाइडेंस चाहते हो तो उसके बारे में आप अब सोचना शुरू कर सकते हैं व्हाइल आई शफल। ओके, स्कॉर्पियोज आपका फर्स्ट कार्ड है 7 of Pentacles। मुझे एनर्जी पिक भी हो रही थी, आई वॉज अबाउट टू से कि अपने ना टेम्पटेशंस में गिव इन मत करो, थोड़ा सा पेशेंस और दिखाओ। ठीक है, जो 7 of Pentacles है वो हमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर दिखाओ। अभी जो आपने बीज लगाया था वो पौधा है, अभी उसको पेड़ बनने में टाइम लगेगा। लेकिन मीन वाइल आई थिंक आपको क्या करना चाहिए कि आप ऑब्सेस नहीं करो अपना एकदम यू नो पेशेंस नहीं खो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना गुड एनर्जी भेजो जिस भी काम के लिए ये पेशेंस नहीं आ रहा था आपको, या जिस काम के लिए वेट कर रहे हो ना उसको एनर्जी, गुड एनर्जी भेजो। एफर्मेशंस बोलो कि आई ब्लेस यू। लेट्स से आप आपका किसी पर्सन से झगड़ा हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे फिट नहीं होगा। लेट्स से कि आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है, अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन है तो आप वो रिजल्ट की एनर्जी को कैसे करोगे। आप अगर बार बार ये सोचोगे यार मेरा नहीं हुआ तो, मेरा नहीं हुआ तो, आप कैसी एनर्जी भेज रहे हो? यूनिवर्स को क्या पता चल रहा है कि ये कह रहा है मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ? आप नहीं नहीं की एनर्जी भेज रहे हो ना, नहीं नहीं नहीं। आपको एनर्जी भेजनी है कि आई एम सेंडिंग गुड वाइब्स टू माई रिजल्ट, आई नो इस रिजल्ट से मेरे को मेरी ग्रोथ होने वाली है, मेरी प्रोग्रेस होने वाली है, ऐसे करके। मतलब जो भी आपको गुड, आपको पर्सनली गुड फील कराए, नेगेटिव यू नो नॉन अफर्मेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने। तो एफर्मेशंस बोलो, गुड एनर्जीज भेजो, ठीक है, प्रेयर्स बोलो। प्रेयर्स भी एफर्मेशंस की तरह होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरी होती हैं। ओके, 10 of Pentacles काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये काम है उसमें हो सकता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको रिजल्ट नहीं दिखे, बट जब भी इसका रिजल्ट आने वाला है एक सक्सेस है उसमें। 10 of Pentacles, एक बार क्लैरिफायर्स भी देखेंगे तब मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। Knight of Swords, ओके, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको रिसीव होने वाली है इस मामले में। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टडी से रिलेटेड ही है, ठीक है, बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए ये स्टडी से रिलेटेड है, तो आपको हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिले। ओवरऑल जनरल भी एक न्यूज़ का एलिमेंट है यहाँ पे, कि कुछ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो रहा है जिसकी वजह से यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू माइट फील वेरी सैटिस्फाइड। ठीक है स्कॉर्पियोज, 10 of Pentacles, एक बार क्लैरिफायर्स देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओके, क्लैरिफाइंग द स्प्रेड फॉर स्कॉर्पियोज, क्लैरिफाइंग द स्प्रेड। वाओ, इस स्प्रेड में, इस डेक से हमारे पास दो मेजर आर्काना आए हैं, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे तो ये 100% नाइट ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून से कंफर्म हो गया है
कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी जरूर है, लेकिन आपके बॉटम ऑफ द डेक में डेविल आया है, ये ही आपको शायद ऑब्सेस कराने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी कि डेविल की एनर्जी को एलिमिनेट करने के लिए, इस एनर्जी से बाहर आने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रूट चक्रा मेडिटेशन जरूर कीजिए आप, एंड सेकेंड पेशेंस दिखाओ, थोड़ा सा पेशेंस स्कॉर्पियोस। यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ सोल्स की एनर्जी आई है, तो दोनों ही सेवन ऑफ पेंटिकल में भी जैसे कोई डिस्ट्रैक्टेड है, एंड थ्री ऑफ सोल्स पेनफुल सिचुएशन है, तो ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी लग रही है कि जैसे कोई फोकस नहीं कर पा रहा, कोई बहुत डिस्ट्रैक्टेड है। तो इस टाइम फ्रेम में आप आप बहुत फ्लिटर करोगे, आप एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा डिस्ट्रस्ट की एनर्जी भी इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से मुझे समझ में आ रही है। कुछ लोग सेल्फ ब्लेमिंग भी कर रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि यार तुम तो डिजर्व नहीं करते। नहीं भाई, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में आने की कोशिश करो। अगेन मैंने कहा ना, डेविल आया आपके लिए, तो वो डेविल ही है जो आपके कान के पास बैठ के आपको नेगेटिविटी फीड कर रहा है। तो ये हमारी डेविल सेल्फ होती है, कई बार खुद के अंदर हमारे होती है, कई बार बाहर के लोगों, मतलब कोई दूसरा पर्सन हमें डेविल की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग सेल्फ डाउट में हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि यार मैं तो डिजर्व ही नहीं करता, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। नहीं, आप अगर खुद को ही वर्दी नहीं मानते हो तो दूसरा तो कैसे ही मानेगा। ओके, बट यार टेन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत बहुत एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन को, मतलब व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दिस ना, आई एम फीलिंग वेरी गुड वाइब। तो ये जो भी सिचुएशन है ना, यू हैव दिस पोटेंशियल कि आप इसको ओवरकम कर सकते हो। और जो आपने बीज बोए हैं, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी एनर्जी दर्शा रहे हैं कार्ड्स कि आप इम्पेशेंट हो और सेल्फ वर्थ के इश्यूज हैं आपको, आप वर्दी नहीं मान रहे हो। लेकिन ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि जो भी सीड्स आपने लगाए हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, उसका हार्वेस्ट का टाइम ज़रूर आएगा, और इसी टाइम फ्रेम में मुझे उसकी एनर्जी है। शायद फिर भी आप इतने इम्पेशेंट हो रहे हो, मतलब आप शायद दो दिन का वेट भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एनर्जी लग रही है मुझे। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए स्कॉर्पियोस, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस का आने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक गुड फैमिली, हैप्पी फैमिली, गुड न्यूज, एडिशन इन फैमिली, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट में सक्सेस होना, या फिर इस तरीके की बहुत एनर्जी है। ठीक है, तो गुड एनर्जी है। फाइनेंसिस के मामले में भी जैसे हार्वेस्ट हो रही है, ठीक है, फैमिली रिलेशनशिप में पॉजिटिव हार्वेस्टिंग है, गुड रिलेशनशिप बन रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए आप। क्या होता है ना कि हम नेगेटिव एनर्जी, ऐसा तो नहीं है कि वर्क रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी इसी पोर्शन में रहेगी मेरे माइंड के, लव रिलेटेड नेगेटिव एनर्जी बस इसी पोर्शन में रहेगी मेरे माइंड के, वो ऐसा नहीं होता कि हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। तो किसी भी एरिया में अगर हम नेगेटिविटी में हैं तो हमारे दूसरे एरियाज भी इफेक्ट होते हैं। तो आप ये जो भी इशू है ना, जहाँ पे आप पेशेंस नहीं दिखा पा रहे हो, तो आपकी वो इस ब्लेसिंग को भी हार्म कर सकता है। फिर थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। और नाइट ऑफ सोल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर आ रही है, और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही डिवाइन की तरफ, या फिर अगर ईश्वर अल्लाह में विश्वास करते हो तो आप ईश्वर की तरफ बहुत ही ग्रैटिट्यूड फील करने वाले हो। मुझे ऐसी वाइब लग रही है, ऐसी एनर्जी लग रही है। और एक पॉजिटिव न्यूज, एक बहुत शायद आप टाइम से वेट कर रहे हो इस न्यूज का, कोई ऐसी न्यूज भी हो सकती है। कुछ लोगों की एंसेस्ट्रल, अगर आपने हीलिंग करी है तो आपके एंसेस्टर्स जैसे आपको ये न्यूज, एंसेस्टर्स की तरफ से कोई न्यूज या ब्लेसिंग आ रही है। ओके स्कॉर्पियोस,
ये एनर्जी, यही थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी है. बाकी दो कार्ड कॉम्बिनेशन तो मतलब इफ आई एम सेइंग ऑल्सो ना कि मैं इनको इनके बारे में बात कर रही हूँ, देन ऑल्सो आई एम फीलिंग गूज बम्स. बहुत हैप्पीनेस जैसे बहुत ही सैटिस्फाइंग फील हो रहा है मुझे इन कॉम्बिनेशन को देख के ही. तो आपके लिए एनर्जी आई है, बहुत अच्छी बात है, इसमें टैप इन करो. और इस एनर्जी की भी प्रेजेंस आई है तो इसको बाईपास, यू नो, इसको हील करने की कोशिश करो कि आप इस लूप में नहीं फंस जाओ. ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो. और अगर आपको ये रीडिंग से कुछ भी हेल्प और गाइडेंस मिली है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें. और फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें. आई होप सभी का कुछ ना कुछ भला हो, कुछ मंगल हो, कुछ कल्याण हो. एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ ये मैसेजेस कितने रेजोनेट हुए. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग गाइस. मीनवाइल टेक केयर, बाय बाय.